मुझे टीज इन गरजते बरसते बादलों के बीच उगने वाली बेहतरीन चाय की कहानी, क्योंकि यहाँ के मौसम के बदलते साथ साथ चाय का रंग, चाय की सुगंध, चाय का स्वाद भी बदलता है, और इस जादू के वजह से दुनिया भर में लोगों को दार्जिलिंग चाय का चस्का लगा हुआ है। आज के दिन इंडिया में 10,000 चाय बगान हैं, मगर इनमें से सिर्फ 87 ऐसे चाय बगान हैं जिन्हें दार्जिलिंग का दर्जा दिया गया है। अच्छा जी। मगर दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज गार्डन्स आर टुडे हेविली लॉसमेकिंग। दार्जिलिंग चाय का व्यापार हमेशा एक्सपोर्ट का व्यापार रहा है, मगर पेंडेमिक की वजह से ये ट्रेडिशनल व्यापार को बहुत जोर का धक्का लगा। अक्सर जब बगान नहीं चलता है तो मालिक लोग इसको बेच के होटल और रिसोर्ट बना देते हैं। होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा उसका, पैसा तो अपने को चाय बेच के ही आएगा। चाय नहीं रहेगा तो दार्जिलिंग तो कहाँ सरवाइव करेगा। दार्जिलिंग की जो पहचान है वो चाय से ही है। मेरी परिवार दार्जिलिंग के चाय के बिजनेस में पिछले 4 से 5 पीढ़ी से है। ईशान और मैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, कलकत्ता में ही हम लोग पले पड़े हैं। ईशान मैं, हम लोग छुट्टियों में हमेशा सेले मिल जाते थे, एंड इट्स स्प्रेड ओवर 1000 एकर्स। वहाँ पे हॉर्नबिल्स भी हैं, एलिफेंट्स भी है। वहाँ के लोगों के साथ, उस चाय बगान के साथ एक बहुत गहरा लगाव हो गया है, और उन गहरी यादों को बरकरार रखने के लिए हमने शुरुआत की दोर्जे की। दोर्जे टीज एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम के माध्यम से दार्जिलिंग के बदलते मौसम की बदलती चाय को हमारे चाय बगान से आपके घरों तक पहुंचाती है, और ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चाय दार्जिलिंग के मशहूर सेलेमिल चाय बगान से हम प्लक, पैक और डिस्पैच करते हैं। शाक्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके पास जाके आप उन्हें कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी विद मी। हम ये चाहते हैं कि आगे चल के हिंदुस्तान में जब लोग किसी को पसंद करें तो वो उन्हें पूछे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ दार्जिलिंग टी विद मी। शाक्स, आज हम आपसे 30 लाख मांगने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर 5% ऑफ आवर कंपनी। आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्योंकि चाय रेडी हो गई है, मैं आपको दार्जिलिंग एक बार लेके जाना चाहता हूँ। चाय ठंडी हो जाएगी। नहीं, आपने पहले ही दार्जिलिंग की इतनी अच्छी सैर करा दी, बैठे बैठे वहाँ पहुँचा दिया। वेरी ट्रू, स्पीक रियली वेल। ओरेशन आई बिलीव इन एन एंटरप्रेन्योर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आई वुड गिव यू 11 ऑन 10। शुक्रिया, क्योंकि चाय ओवर ब्रू हो जाएगा, आई विल इंसिस्ट कि मैं यहाँ आ जाऊँ। यू जस्ट प्रूव्ड अस राइट अगेन। आई लव इट। क्या मैं अनुपम आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आके ज्वाइन करें आप मुझे? श्योर। तुम्हें क्या, मैं टी ड्रिंक कर लगा। हर साल स्प्रिंग के समय हमें सबसे पहली बारिश मिलना शुरू होती है दार्जिलिंग में। ऐसा लगता है जैसे कि वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। अरे, और उस चुपके से बाहर के साथ हमारी चाय की बुशेज फ्लश करने लगती है, इसलिए इसे फर्स्ट फ्लश यानी स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। हम स्प्रिंग से जब मार्च महीने से मई में आते हैं, समर टाइम में एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिनन होती है, थ्रिप्स बोल के एक इंसेक्ट होते हैं। थ्रिप्स के अटैक के वजह से वो टी बुशेस को ईट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू करते हैं बिफोर प्लकिंग। जो स्मेल आती है उसे एक स्पेशल मस्केटेल यानी कि कस्तूरी का स्मेल बोलते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वीट है। यस, राइट। फिर हम समर सीजन से बारिश के सीजन में आते हैं, जुलाई अगस्त। बारिश के साथ हमारे दार्जिलिंग में तूफानों की शोर भी है, ढाबों की शहनाई भी बज रही है, और उसके बीच में चाय का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। इस चाय को दार्जिलिंग के सारे लोग बोलते हैं कि ये चाय पीने लायक नहीं है। आज हम आपको यही चाय सर्व करने वाले हैं। ये चाय हम बहुत हाई टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं, हम इसे रोस्टेड दार्जिलिंग कहते हैं। इसमें आप एक चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसे आप जरा स्मेल करिए, टेस्ट में एकदम स्मोकी टेस्ट आएगा। भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ खड़े रहूँ, आपकी बातें सुनता रहूँ। आप इन्वेस्टमेंट बस भी दे दीजिए, मैं आपके घर आके आपको बातें सुनाऊंगा। करना पड़ेगा भाई, आपकी बातों के लिए यही करना पड़ेगा।
आई थिंक बिडिंग वॉर हो रहा है। आई नो। मैं आपको दार्जिलिंग की सबसे रोमांचक कहानी जरा बताता हूँ। हर मौसम के एक फुल मून नाइट में पूर्णिमा की रात को सेलेमिल चाय बगान के सारे लोग मिलके मशाल हाथ में पकड़ के पहाड़ों में चलते हैं। And as the full moon comes out and the tea leaves are blooming, और हम लोग carefully सिर्फ two leaves and a bud, जो नेपाली में दुई पात एक सुइरो कहते हैं, उसे pluck करते हैं। Delicately hand roll करते हैं और उससे एक बहुत ही बेहतरीन white tea बनाते हैं। मॉनसून से हम लास्ट फाइनल सीजन में आते हैं साल के जाड़े में। ये साल की लास्ट हार्वेस्ट है और ये दार्जिलिंग की बेस्ट कैप सीक्रेट भी है। वेरी गुड। मैं आपको पहले एक टेस्टिंग करा दूं, ठीक है? आप एक बड़ा सिप लीजिए। बड़ा सिप लेने के बाद आप उसे अच्छे से स्लर्प करिएगा, ठीक है? घर पे तो मना करा जाता है ऐसे करने से। स्लर्प करने के लिए अच्छा वो आपने अनुपम को ही बुलाया नहीं भाई, इसको कन्वेंशनल तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से पी। अनुपम प्लीज वंस मोर, मेरा मेकअप चला जाएगा, इतना मत रुलाओ। क्या हुआ निहारिका, ऑल ओके? यार इतनी मुश्किल से हाथ पैर मार के फाइनली एक बेबीसिटर रखी थी, एजेंसी को कमीशन भी दी थी, अब ना एजेंसी फोन उठाती है ना बेबीसिटर मेरी बात सुनती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इसकी तो मुझसे भी बुरी हालत है। शख्स इसने अपनी पड़ोसी से एक कुक रखी थी, कुक को बोला है कि बेसिक सा पोहा बना दो, तो कुक बोलती है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। यार इसमें इनकी क्या गलती है, इनको कोई ट्रेनिंग तो देता नहीं है यार, इन प्रॉब्लम्स का कोई तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है शार्क्स, इंडिया के हर घर में ये एक्सपीरियंस मिसिंग है। एक ऐसा कुक जो आपको कभी ना होने दे लेट, एक ऐसी भरोसेमंद बेबीसिटर जो आपके बच्चे की हो फेवरेट, जो आपके घर को रखे एक्सट्रीमली ग्रेट। सुपर वुमन है ये तो। और ये सॉल्यूशन लेके आया है ड्रूमीज, इंडियाज ट्रस्टेड होममेकर्स। हेलो शार्क्स, मैं हूँ निहारिका। मैं हूँ वैभव। मैं हूँ सौरभ और हम लोग आए हैं दिल्ली से। शार्क्स, ड्रूमीज एक ऐसा टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने घर के लिए एक हाउस हेल्प, कुक, बेबीसिटर या ऑलराउंडर बुक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे और दो मिनट में आपकी बुकिंग क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद सारी हेडेक हमारी। हम आपके लिए ढूंढेंगे एक वर्कर जो फुली ट्रेन्ड, वेरीफाइड और रिलायबल होगा। लास्टली हम इनको देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स और सबसे बड़ी बात 3 times ज्यादा सैलरी कमाने का मौका। इंडिया के 5,000 से भी ज्यादा घरों में अपनी सर्विस दे चुका है। Very good. और आज इस मंच पे आपके समक्ष 80 लाख की मांग करने आया है फॉर 2% इक्विटी। फॉर 2%। शार्क्स, ये हमारी एस ब्लूमी है तृप्ति जी, इन्होंने कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जो इन्होंने हमारे ट्रेनिंग हब्स में सीखा। अरे वाह, तो आपकी इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल यार, रिश्वत दीजिए। ये तृप्ति जी आप ही ने बनाया है? जी सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हां जी सर। सिर्फ तो आप एक्चुअल हेल्पर हो, हाउस हेल्प हो, क्या आप क्या काम करती हो? मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूं, मैं इनका हेल्पर के तौर पर काम करती हूं। आपको मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस? हां, मैंने लिया हुआ है मैम। अरे वाह, और आप इतना खुश क्यों हैं? काम करके खुश हो कि टीवी पे आ रहे हो इसलिए खुश? सर टीवी पे आ रही हूं इसलिए मैं खुश हूं यार। सबसे बड़ी बात सर, यूज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे वाह, आपका खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो आप कितने घरों में काम कर चुके हैं? मैम मैं 3 से 4 घरों में काम करती हूँ। रूमी
एजेंसीज के थ्रू। हाँ जी हाँ जी। तो आप इनको क्यों कमीशन देती हो, खुद क्यों नहीं कर लेती हो तीन चार? सर फिर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मुझे कंपनी से मिली है। क्या नहीं मिलेगी बताइए बताइए। मतलब जैसे हम उनसे अगर बोलेंगे हमें एडवांस दे दो, हाँ जी, तो मुझे पे कैसे भरोसा करके दे देंगे? अच्छा, और पैसे की जरूरत हो, हाँ जी, क्या किसी लोन कुछ करवाना हो, तो मुझे उनसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मुझे कंपनी से मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है हमारी। तो आप खुश? सर मैं बहुत खुशी से जुड़ के। आपकी पहले क्या इनकम थी और आप इनको जा सकते हैं। मैम पहले गुड जॉब आप कर लेंगे डील। हमें कस्टमर ही मिल गया। आप पहले क्या कमाती थी और इनको ज्वाइन करने के बाद अब क्या कमाती है? बेबी सिटर का काम किया था मैंने 5 साल, जिसमें मैं उस समय कर रही थी 2000 रुपए मिलते थे मुझे। हाँ जी, और फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ज्वाइन करी, उधर 12000 मिलते थे मुझे। और अभी? अब मैं यहाँ पर जब से जुड़ी हूँ तो मुझे कुकिंग में मिलता मुझे 28000 के आसपास हो जाता है। मोर देन डबल। फैबुलस जॉब, प्राउड ऑफ यू। नमस्कार तृप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। निहारिका, वैभव, सौरभ, ये प्रॉब्लम तो है, जेन्युइन प्रॉब्लम और सबको ये प्रॉब्लम निकल रहा है अमन का ना, सबकी दुखती रख है। हाँ, क्योंकि जब यू नो मेरे घर पे हेल्प नहीं होती तो मेरी मतलब मैं हेल्प बन जाता हूँ, राइट? तो ये प्रॉब्लम आप में से किसको आई पहले? तो आप इन दोनों को कैसे मिले और कैसे जानते हो? सर हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से, और शुरुआत से हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काफी सारे काम किए हैं कॉलेज में भी। उसी दौरान हमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन किए लोगों से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, डिग्निटी नहीं मिलती, तो वो प्रॉब्लम्स हमने देखते हुए सोचना स्टार्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल, ये है स्टोरी कि मैं और सौरभ कैसे मिले। हाँ। मैं और निहारिका इंडियन स्कूल ऑफ हैदराबाद जा रहे थे, बिजनेस हैदराबाद, सॉरी एसबी हैदराबाद, तो हम दोनों ड्रॉप आउट कर गए थे। क्यों कर गए? क्योंकि हमने रूम में स्टार्ट किया। एज एन एक्टर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं, पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निश्चय है बाल। ओह वाओ, या वाओ वाओ, स्मूथ, राइट? सो मैं जाती थी विग दादाज के पास और वो मुझे दे देते थे हैवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशन मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पर शुरू करी अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन ली, अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या कुछ से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, विच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। ओह माय गॉड, वाओ, नो वे, गिफ्ट दैट यू आर गिविंग, वाओ, जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है। ओह वाओ, और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेंगे? अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयरलाइन है, तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है। तो मैंने बनाया फ्रेम माई फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन ज़ी, राइट? उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक, उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, विच इज समथिंग यू गेट इन एन इंस्टेंट। सो आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं Nishhair की मालकिन। I like that word, मालकिन। First time on Shark Tank. Founder सुना है। First time pitching my business to anybody. Oh wow. It's a self-made business and I'm here to ask for 1 crore for 2%. Wow. So does this offer sail your boat or do I need to sugarcoat it more? Well said, but we'd prefer some sugarcoating.
पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक फिनाले सीजन। थैंक यू अमर। पहले ये बता दो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, इज देयर अ कनेक्शन और जनरली इज दिस निश? माय मदर कॉल्स मी निशू, तो उन्होंने इसका नाम रखा निश, बिकॉज़ हेयर एक्सटेंशंस बाय पारुल गुलाटी साउंड्स। और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ, अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ। ओह नाइस। कैसे? मैंने वेब शोज कर रहे हैं, मेनली पंजाबी मूवीज कर रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो। नाइस। तो ये अभी आप ये भी करते हो? Yes. और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको, या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम बिजनेस? नहीं, ये फुल टाइम बिजनेस है मेरा। एंड एक्टिंग इज भी फुल टाइम है। हाउ कैन यू डू टू थिंग्स फुल टाइम? व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर मैरिड, तो मैं अपने एक्टिंग करियर से मैरिड हूं और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूं मैं किसको कितना टाइम दूं? जवाब भी गुड आंसर, राइट? और आप पहले पीछे कहां से हैं? बॉम्बे से? मैं रोहतक से हूं, हरियाणा। और आपने पढ़ाई कहां करी? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी। मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए? 2010 में। एक्टिंग के लिए? जी हाँ। और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज्यादा नहीं मिल रहा था, और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठे बैठे खुद। अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी, और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट, एंड दे रिफ्यूज्ड। मैंने सोचा एक दिन में एक्सटेंशन, नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया। वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे ये आइडिया आया। लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स केम मच लेटर। आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप। तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा, उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी, और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए। लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी, ऑफकोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे, और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही। आफ्टर लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ, उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में, एंड इट इज़ माई वे। पारुल, अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? यस। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, इतना मुझे पता है, और हेयर टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रहे हैं। मेरे को एक चीज पूछनी है नमिता विनीता आप लोगों से, कि ये आप लोगों को नीड होती है? मैं हेयर एक्सटेंशन लगाती हूं। पहले होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया, पर अभी बहुत कॉमन हो गया है, इट्स अ फैशन एलिमेंट। आपको कोई ब्रांड पता है इसमें कोई इन्वेस्ट करता है? हमारा एक ब्रांड है, हमने सीजन 1 में मैंने इन्वेस्ट किया था, हेयर ओरिजिनल्स। कैसा चल रहा है वो बताओ मुझे, ये तो आप ही बताएंगे। मुझे लगता है वो मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं, मैंने मार्केटिंग पे कभी कुछ खर्चा नहीं किया है, और वो D2C आपके साथ होने के बाद भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। I'm just saying कि D2C में इस वक्त अगर आप सर्च करते हैं मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन सबसे पॉपुलर मैं हूँ, ऑफलाइन मैंने इतना टैप नहीं किया है मार्केट अभी।